नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया टुडे एजुकेशन लाइव पे। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज था क्लास 12th का केमिस्ट्री एग्ज़ाम। हम यहाँ पे मौजूद हैं नोएडा के APJ स्कूल के सामने। आइए जानते हैं बच्चों से कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। एक्सक्यूज मी, हाय, व्हाट इज योर नेम? वैभव। Which school are you from? Lourdes Valley. आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया था। It was really good paper, really easy. It was a really easy paper. Yeah. Did you complete your exam on time? Yeah, I completed half an hour before only. Oh, so it was not. Yeah, it was really easy, not tough at all. And all the formulas and everything? Yeah, everything I remembered. Everything came pa. Like very easy paper. Out of syllabus कुछ नहीं था? Nothing at all. So how much are you expecting? 95 above. 95 above. Yeah. Oh, so good. चलो, congratulations, all the best. Hi, what is the name? Aditya. So you forgot your name? नहीं, वो एकदम। So आपका पेपर कैसा गया? ठीक था। I think like 85 से 90 के बीच में ऐसे आ जाएंगे। क्यों, लेंथी पेपर था? हाँ, थोड़ा सा, मतलब नहीं, वैसे लेंथी नहीं था, मतलब मेरा खत्म हो गया था, पर ठीक था। और फॉर्मूलाज वगैरह डिफिकल्ट थे? कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ द सिलेबस था कुछ? नहीं, सब पढ़ा हुआ था मैंने। सो 85 अबाउट, समथिंग अराउंड 85 यू आर एक्सपेक्टिंग? 85 से 95 के बीच में। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाय, व्हाट इज योर नेम? सिमरन। कैसा गया पेपर? इजी था, मतलब आई न्यू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, सो आई शुड स्कोर 95 प्लस। पेपर लेंथी था या कुछ? नहीं। और क्वेश्चन जो थे सारे सिलेबस के अंदर से थे या बाहर से? सब पहले ऑल वो नोन, तो सारे इजी थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नया आ गया। और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह सब इजी थे या कुछ ऐसा लगा? प्रीटी स्ट्रेट क्वेश्चंस, सब कुछ डायरेक्टली पूछा हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं था कि आप ब्लैंक हो रहे हो एग्जाम के बीच में? और टाइम पे खत्म हो गया था? हाँ, हाफ एन आवर बिफोर। ओके, हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? 95 प्लस होपफुली। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। तो जैसा कि आपने देखा, अभी तक के जितने भी बच्चे मिले हमें, उन्होंने बोला कि काफ़ी इजी पेपर था और सबका टाइम से पहले ख़त्म हो गया। आइए जानते हैं कुछ और बच्चों से। एक्सक्यूज मी, हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवार हूँ ना। कैसा गया पेपर आपका? केमिस्ट्री का पेपर इजी था, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत ईजी था, और मतलब कि लेंथी भी नहीं था पेपर, मतलब इट वॉज गुड फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो कितना पहले टाइम से खत्म हो गया था या पहले खत्म? हाँ, बहुत पहले खत्म हो गया था, आधे घंटे एक घंटे आगे खत्म हो गया था पेपर। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन ऐसा था जो डिफिकल्ट लगा या आउट ऑफ सिलेबस? नो, मतलब पेपर बहुत आसान था, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, जो पढ़ के जाएगा उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो लास्ट ईयर के पेपर्स आपने देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कोई पैटर्न में चेंज लगा? नहीं, पैटर्न सेम था, इजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, तो हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? अबव 60। अबव 60? यस, इन 70 मार्क पेपर। चलो, गुड, थैंक यू सो मच। हाय, हेलो, व्हाट इज योर नेम? रोहन बनर्जी। How did your paper go? It was very good and it was too easy, and we can score well in this paper. Okay. And I think I am getting above 55. And you? Yeah, it was pretty easy, and the one who has studied organic chemistry properly, he would have solved the paper within less than half an hour. Like, no, not less than half an hour. He's the topper of the school, that is why he's saying this. Yeah, but the paper was easy. But the paper was easy. Yes. And anyone who has read NCRT can score well. Yes, ma'am. Yeah, all completely. The questions were from NCRT. And direct and very easy questions were given in this paper. Unlike this paper, in which the questions were quite tricky, and this was straightforward, and the one who had revised P block and organic, he would score full marks. So how much are you expecting? I'm expecting full as of now. Oh, so good. And you? 60 above. 60 easily, above. Yeah. How much are you expecting? 60 above. 60 above. Chalo, good. All the best. तो सभी बच्चे बहुत खुश हैं, सबका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। एक्सक्यूज मी, हाय, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा, पेपर वाज वेरी इजी, क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, नथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी। सो डिड यू कंपेयर लास्ट ईयर का पेपर ऑल्सो एंड इस बार का? लास्ट ईयर क्वेश्चंस वर मोस्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड पी ब्लॉक, एंड दिस टाइम ऑल्सो द पेपर वाज सेम, सो इट वाज देयर वाज नॉट अ बिग डिफरेंस इन इट। So how much are you expecting? 60 above, easily. Chalo, good. Thank you so much. All the best. Hi. What is your name? Akshada. Akshada. Paper kaisa gaya? Nice, very easy. It was absolutely from the NCERT and was very good. To paper time pe khatam ho gaya tha ya pehle khatam ho gaya?
time pe exactly time pe khatam hua tha to kitna expect kar rahe ho around 50 around 50 yeah not more than that तो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लगा कि थोड़ा अलग था या डिफरेंट था थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो कोई ओनली द न्यूमेरिकल वंस बट दे वर लाइक सम पार्ट ऑफ देम वर ऑलमोस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली बट या दे वर ट्रिकी न्यूमेरिकल्स वंस तो बाकी लोग हमें बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस थे और कैसे थे वो तो वो कैसे लगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाइक इट वाज डिफिकल्ट बट हां वही वाली बात है लाइक एनसीईआरटी से ही थे सारे क्वेश्चंस ये नहीं थे तो आते नहीं है ऑब्वियस बात है सारे को लोग तो आएंगे चलो थैंक यू सो मच हाय व्हाट इज द नेम शांभवी कैसा गया पेपर बहुत अच्छा बहुत अमेजिंग था सारे क्वेश्चंस इजी थे आपको पता थे सारे नोन क्वेश्चंस कोई पैटर्न में चेंज लगा आपको नहीं ऐसे कोई पैटर्न में चेंज था बट हाँ था थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो इधर उधर करते ही हैं लेकिन मेन जैसा पैटर्न होता है वैसे ही था मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडेबल थे या कोई ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन सब अंडरस्टैंडेबल था कुछ ट्रिकी नहीं था तो हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अबव 55 थैंक यू सो मच आइए जानते हैं बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से सर हेलो हेलो आपको क्या लग रहा है पेपर का सुनने के बाद रिव्यू सुनने के बाद पेपर देखने पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं तो पेपर का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर वो हर साल वो एक ब्लू प्रिंट है उनका उसी पर वो देते रहते हैं ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है तो बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्शंस याद रखने होते हैं और रिएक्शंस में रिएजेंट भी और विद टेम्परेचर याद रखना होता है जिसे फिर अगर वो याद नहीं रखेंगे तो फिर पेपर नहीं हो पाएगा तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ये तो बच्चे बताएं फिर भी आपके कोई एक्सपेक्टेशंस वगैरह 50 से 60 के बीच आने चाहिए वेरी गुड थैंक यू सो मच आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से हाय हाय हाउ वाज वी टॉक टू देम हाय हाउ वाज योर पेपर गो हाउ डिड योर पेपर गो इट वाज गुड ओवरऑल इजी ओवरऑल इट वाज इजी पेपर टाइम पे खत्म हो गया था आराम से एनी क्वेश्चंस दैट यू फाउंड वेर ट्रिकी और एवरी क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चंस स्टॉप्स दैट्स इट Of how much marks? Of total six or seven marks. Seven marks. I heard that organic chemistry ke bhi questions aaye the. So how did you feel? Organic was easy. Direct questions. Direct questions the. Koi aise ghuma ke kuch. Even if it was complicated, NCERT padhna would have been enough. Acha. So how much are you expecting? 90 plus. 95 maybe. 92 plus. 92 plus. Thank you so much. All the best. Hi. Hello. What is your name? Mohit. Mohit, paper kaisa gaya? Acha. Acha gaya. Haan? To questions short the, lengthy paper tha kya tha? Questions short the aur easy the. Expected paper tha. To kuch bachchon ne hame bataya ki kuch 6-7 marks ke questions jo the thode difficult the, thode tricky the. Aisa kuch? P block ke kuch questions the to thode tricky the, to थोड़े से अंदर से थे मतलब बहुत ही डीप पढ़ना होता है उनके लिए तो बस उनमें प्रॉब्लम थी बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा और पेपर आपका टाइम पे खत्म हो गया था दो बल्कि एक घंटे पहले खत्म हो गया एक घंटे पहले खत्म हो हाँ पेपर बहुत इजी था और एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं लगी तो छोटा ही था हाँ। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 63 अबव चलो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से हेलो हाय हाय आपका नाम क्या है केतन कैसा गया पेपर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टाइम पे खत्म हो गया था आधे घंटे पहले खत्म हो गया था और क्वेश्चंस कैसे थे शॉर्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी के अंदर सब करके आए हो मतलब वेरी गुड और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सपेक्टेशन 60 से 65 के अराउंड लेकिन अब देखते हैं कितना है अच्छा तो प्रिपरेशन के टाइम पे क्या किया था कैसे प्रिपेयर किया था पढ़ा था बस और क्या किया था सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था हां सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था एनसीईआरटी और स्कूल की जो असाइनमेंट दिया था वो बस वेरी गुड मैम आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हाँ अच्छे हैं कि 65% मतलब 65% एक्चुअली 90% तक आएगा मतलब इस पेपर में आएगा 60 क्योंकि तैयारी अच्छी करी थी इसने तो आप क्या मतलब जब ये तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों ने कुछ टिप्स वगैरह दिए थे इनको कि ऐसे करो हाँ दिया था कि लिख के पढ़ो रिएक्शंस लिख के करो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा राइटिंग करके करना है बस यही सब टिप्स दिए थे और कुछ नहीं थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट तो देखा आपने सारे बच्चे बहुत खुश हैं सबके पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं और जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि पेपर काफ़ी शॉर्ट था ज़्यादा लेंदी नहीं था तो सबका एवरेजली आधे घंटे पहले ख़त्म हो गया था सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के अंदर से आए थे और पी ब्लॉक का थोड़ा बोल रहे हैं कि थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे एक दो
तो ये था पूरा कॉन्क्लूजन सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर का. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं कजरी गोस्वामी साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन पूजा यादव.